नमस्कार मित्रों, धर्म इतिहास रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जगन्नाथपुरी मंदिर के ध्वज के 10 चमत्कारिक रहस्य। कौन सी है चमत्कारिक रहस्य, क्या आप जानते हैं? मित्रों, महाभारत के नक्षत्र युग चंद्र ध्वज युधिष्ठिर के रथ पर लहराता था, जबकि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर गरुड़ ध्वज लहराता था। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज पर अर्धचंद्र बना हुआ है और जिसके साथ एक सितारा भी है। आइए जानते हैं इस ध्वज का क्या है रहस्य। तो मित्रों, उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई घंटी को दबा दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और मित्रों, अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कॉमेंट में लिख दीजिएगा जय जगन्नाथ। तो मित्रों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह ध्वज लाल और केसरिया रंग का होता है। इसी ध्वज पर शिव जी का चंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज में इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो उसे सब देखते ही रह जाते हैं। शिखर पर कई ध्वज लगाए जाते हैं, जिसमें मुख्य ध्वज के पतित पावन बाना कहा जाता है। मुख्य ध्वज के नीचे की ओर लहराने वाली पातकों को मानसिक बाना कहते हैं। इसी ध्वज को श्रद्धालु द्वारा भेंट किया जाता है। कहते हैं कि श्री मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर ध्वज हर दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि ध्वज एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ध्वज के पास सुदर्शन चक्र लगा है। ध्वज विशाल काय सुदर्शन चक्र के ऊपर तक लहराता है। इसी 20 मीटर लंबे ध्वज को 800 साल से चोला परिवार ही बदलता आ रहा है। जगन्नाथ यात्रा में रथ पर लहराने वाले श्री कृष्ण के ध्वज को कपि ध्वज, बलराम के ध्वज को ताल ध्वज और सुभद्रा के ध्वज को देवलदन ध्वज कहते हैं। तो मित्रों, ये था भगवान जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के चमत्कारिक रहस्य। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।